तो ध्यान हर कोई सिखा रहा है आजकल, योगा टेक्निक ये वो, ध्यान लगाओ, लेकिन ये नहीं बता रहे ध्यान लगाना किस पे, बस ध्यान करो। किस पे ध्यान करूं स्वामी जी, थोड़ा बताइए, गुरु जी थोड़ा बताइए, ध्यान किस पे करूं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे चार चीजें भगवान बता रहे हैं। स्मरण यानी मेडिटेशन। आजकल मेडिटेशन का युग है, युग तो मेडिटेशन का नहीं है, सतयुग में मेडिटेशन होता था, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु अभी मंत्र मेडिटेशन लाए। ठीक है, तो एक मेडिटेशन, दूसरा पूरा संसार बात तो कर रहा है मेडिटेशन की, ध्यान करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, लेकिन कहाँ ध्यान लगाओ पता नहीं। बचपन से ही सुनते हैं ध्यान से खेलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से टीवी देखो, सब ध्यान, लेकिन ध्यान तो लगता नहीं। तो पहले तो ध्यान कहाँ लगाना है, फिर ध्यान लगता नहीं है ना। तो ध्यान लगाना है भौतिक में नहीं, आध्यात्मिक में। भगवान क्या करें, ध्यान लगाओ मुझ पे, कृष्ण पे। किस रूप में, भगवान के रूप में, क्योंकि मैं भगवान हूँ। उससे क्या होगा, उससे तुम मुझे प्राप्त करोगे जो समाधि है, अष्टांग योग में है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान जो है वो किस पे होना चाहिए, भगवान पे होना। ध्यान भौतिक चीजों में लगता नहीं है, लगता है नहीं, लगता है पढ़ाई करते हो लगता है, जॉब करते हो लगता है। तो जब भगवान में ध्यान लगाओगे तब आपका ध्यान लगेगा, फोकस्ड अटेंटिवनेस बढ़ेगा, फिर उसको आप क्या कर सकते हो, फिर पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस करो, घर गृहस्थी चलाओ, फिर आपका ध्यान जो होगा रहेगा। एक नदी बड़ी अच्छे से चल रही, पानी जा रहा है, लेकिन कभी कभी बादल फट जाता है और बहुत बारिश हो जाती है, ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा, पूरा बाढ़ हो जाता है क्षेत्र। हमारा मन वैसे ही है, अभी हमारा मन कैसा है, अब बाढ़ ग्रस्त एरिया हो गया, दुख ही दुख है, हर तरफ सिर्फ पानी, यानी ध्यान कहीं लग ही नहीं रहा है, सब तरफ भाग रहा है मन, सब तरफ पानी की तरह, कहीं रुक नहीं रहा है वो। इसीलिए पानी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तबाही मचाता है। हम देखते हैं बारिश के सीजन में कैसे बहुत जगह पे भारत में और पूरे विश्व में कैसे तबाही हो जाती है, दुख लाता है। तो मन जब भटकता है, जो हमेशा ही भटका हुआ है, जब मन भटकता है तो कैसे तबाही हो जाती है, दुख लाता है, हमेशा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं, झगड़े होते हैं दूसरों के साथ, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती लाइफ। तो और जैसे ही ये बाढ़ का पानी जो है निकल जाता है, जो तबाही मचाना है मचा के वो चला जाता है, फिर नदी सिमट जाती है अपने बॉर्डर में, तो फिर लोग नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा बाढ़ का पानी है इसको हम सिमटा दें, तो ये जो थॉट प्रोसेस, हमारा मन सब जगह भागा हुआ है, सब जगह, इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। ये होगा तब जब हम भगवान में ध्यान लगाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान में जब ध्यान लगेगा तो क्या होगा, ये पूरा पानी सिमट के आएगा, ध्यान एक जगह केंद्रित होगा। फिर पढ़ाई में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा करेंगे, जॉब में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा करेंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो भी अच्छा, घर गृहस्थी में लगाएंगे तो भी अच्छा, खेलने में भी लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अभी तो खेलने में मन नहीं लग रहा है, लोग कहते हैं कि मूवीज में मन नहीं लग रहा है, तो मन लग कहाँ रहा है, मन कहीं नहीं लग रहा है, सिर्फ भागा हुआ है। तो ध्यान हर कोई सिखा रहा है आजकल, योगा टेक्निक ये वो, ध्यान लगाओ, लेकिन ये नहीं बता रहे ध्यान लगाना किस पे, बस ध्यान करो। किस पे ध्यान करूँ स्वामी जी, थोड़ा बताइए, गुरु जी थोड़ा बताइए, ध्यान किस पे करो। कुछ पे मत ध्यान करो, ऐसे कैसे हो सकता है, शून्य पे ध्यान करो, ऐसे थोड़ी हो सकता, कुछ तो चाहिए ना ध्यान करने। भूख लगी है, ये लो खाना खाओ, क्या खाओ, कुछ नहीं खाओ, कुछ नहीं खाने से भूख कैसे मिटेगी, तो आत्मा की भूख है ना। तो जब तक ध्यान कृष्ण पे नहीं होगा, कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तक ध्यान मुझ पे नहीं होगा तो कैसे मुझे प्राप्त करोगे, तो कृष्ण कह रहे हैं ध्यान लगाओ मुझ पे, कृष्ण पे, भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान है, तब क्या करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे, सुख को, आनंद को प्राप्त करोगे, क्योंकि भगवान तो परम आनंद है। तो आपको कृष्ण मिल गए यानी आनंद मिल गया, परम आनंद मिल गया। तो ध्यान क्या है, वो पहले आध्यात्मिक में जब तक नहीं लगेगा, कृष्ण में नहीं लगेगा, आप कहीं ना पढ़ाई में, ना जॉब में, ना बिजनेस में, ना घर गृहस्थी, खेलने, मूवीज, कहीं ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान लगाना भगवान में है।
तो भगवान में जब हम ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा फोकस बढ़ेगा। अब भगवान में ध्यान लगाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए भगवान कौन है, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान के नाम क्या हैं, अलग अलग। तो ये ज्ञान मिलेगा भगवद गीता में, ये ज्ञान मिलेगा भागवत में। तो गीता और भागवत पढ़ें तो भगवान के बारे में पता होगा तो ध्यान लगाने में ईजी होगा। अगर आपको बोलेंगे अमेरिका पे ध्यान लगाओ तो आप क्या ध्यान लगाओगे, जब देखा होगा कुछ तभी तो ध्यान लगाओगे, कुछ बिल्डिंग देखी होगी, कुछ गाड़ियाँ देखी होंगी, कुछ शहर देखे होंगे, कुछ तो देखा तभी तो ध्यान लगाओगे। तो जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो ध्यान कैसे लगेगा, तो ज्ञान से ध्यान लगता। दूसरा है, भगवान के अलग अलग नाम है, उसमें हरे कृष्ण मंत्र है, उस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्ञान मिल गया, अब ध्यान कैसे लगाना है, हरे कृष्ण महामंत्र प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास 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 करते रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का और कृष्ण का आप पढ़ रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, तो अपने आप मन लग जाएगा, कृष्ण को प्राप्त करोगे। जैसे वो छोटा कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा, तो कैसे उससे कुछ कुछ जो है तितली बन जाता है ना, वो डरा हुआ होता है, छोटा कीड़ा होता है वो डरा हुआ होता है, किससे डरता है, तितली से डरता है, क्योंकि वो डरा हुआ है, उसके बारे में ही चिंतन करते 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 वो कीड़ा भी तितली बन जाता है। तो हम भी अगर, हम तो डर से नहीं देखना है ना, हम कंस थोड़ी हैं, कंस तो भगवान से डर डर के हालांकि भगवान को प्राप्त किया, अब भगवान के हाथों मृत्यु हो गई, क्या और क्या चाहिए, लेकिन हम क्यों ऐसे बनेंगे, क्यों भगवान से डरेंगे, अरे भगवान से प्रेम करना है। तो अभ्यास करते करते भगवान से इतना प्रेम में लीन हो जाए, अंत में क्या होगा, मृत्यु के समय भगवान बन जाएंगे, नहीं, भगवान सच्चिदानंद है, हमें भी अपने जैसा सच्चिदानंद रूप दे देंगे, हम भगवान के दास ही रहेंगे, भगवान नहीं बनेंगे, लेकिन भगवान जैसा सच्चिदानंद रूप मिलेगा, भगवान जैसा परम आनंद मिलेगा, और भगवान के साथ रह के उनके साथ लीला में मग्न रहेंगे। तो ध्यान करना है कृष्ण पे, इसलिए कृष्ण के बारे में जानना है गीता भागवत से, और नाम जप करके अभ्यास करना है, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण।